हेलो गाइस, आज डी ब्लॉक में लेक्चर नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। जो डी ब्लॉक मेटा सीरीज चल रहा है ना, आज का लेक्चर नंबर 6 है। तो आज के लिए मैं टॉपिक चूज कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जी हाँ, जो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम बात करेंगे, तो पहला पॉइंट हमारा ये है ट्रांजिशनल मेटल्स। ट्रांजिशनल मेटल्स सोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। ट्रांजिशनल मेटल्स सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे जो टर्म में वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब क्या है ना, एक एलिमेंट अगर एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर सो कर रहा है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल मांगानीस, मांगानीस का इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन 3d5 4s2। इफ ओनली s इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2। इफ 2s इलेक्ट्रॉन एंड 1d इलेक्ट्रॉन एंगेज इन बॉन्ड फॉर्मेशन द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +3। सिमिलरली 2s इलेक्ट्रॉन एंड 2d इलेक्ट्रॉन इट विल बी +4 एंड 2s इलेक्ट्रॉन 3d इलेक्ट्रॉन इट विल बी +5। 2s इलेक्ट्रॉन 4d इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी +6 ऑक्सीडेशन नंबर। एंड इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर एंगेज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन देन ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +7। तो इसका मतलब ये, एक मांगानीस शोज मोर देन वन ऑक्सीडेशन नंबर, तो दिस मींस मांगानीस शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ गया वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है। If an element shows more than one oxidation number, then it can be known as variable oxidation number. So in this example, we clearly seen that manganese exhibit variable oxidation state. अगर इसके compound के बारे में बात करेंगे, तो MnO जहाँ पे manganese का oxidation state +2 है, और Mn2O3 Mn2O3 में मांगानीस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, MnO2 मांगानीस का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, MnO4 ट्रिपल माइनस जहां पे मांगानीस +5 में, और MnO4 डबल माइनस में मांगानीस +6 स्टेट में, और MnO4 माइनस में मांगानीस +7 में। तो ये सारे कंपाउंड है जहां पे मांगानीस +2 लेके +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। एक और कंपाउंड है जहां पे मांगानीस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो है HmnCO5। इन दिस कंपाउंड मांगानीस शोस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम ये पॉइंट बता सकते हैं हमको आपको, तो क्या है ना, मांगानीस शोस ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -1 to +7। मांगानीस कंपाउंड में क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना, -1 से लेके +7 तक। तो हमारा मुद्दा क्या है यहाँ पे, हमारा मुद्दा ये है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये सारे कंपाउंड मांगानीस का है, तो ये सारे कंपाउंड से हमको ये पता चलता है मांगानीस शोज More than one oxidation number, and this is the variable oxidation number of manganese. ठीक है, तो एक और point यहां पे हम ये बताएंगे आपको, in 3D series manganese shows highest number of oxidation number. 3D सीरीज में कौन सा वाला मेटल सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, वो है मैंगनीज। मैंगनीज शोज हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कितने ऑक्सीडेशन नंबर, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, -1 से लेके +7 तक। तो ये एक पॉइंट, ट्रांजिशनल मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड पॉइंट, मैंगनीज शोज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम -1 to +7। एंड थर्ड पॉइंट, इन 3D सीरीज मांगानीस शोज हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अभी हम ये बताएंगे आपको
ये ट्रांजिशनल मेटल क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? व्हाई ट्रांजिशनल मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि ट्रांजिशनल मेटल में इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है? एन माइनस वन डी में एंड एनएस में। ट्रांजिशनल मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में एन माइनस वन डी भी है, एनएस इलेक्ट्रॉन है। देखो मांगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से जो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर तुमको बताया, तो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर क्यों मैं कैसे मैंने फॉर्म किया है ना? एस इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस टू, एस दो एस एक डी के लिए प्लस थ्री, दो एस दो डी के लिए प्लस फोर। तो ऐसे हम आगे चलते हैं प्लस सेवन तक। तो यहां पे मुद्दा ये है एन माइनस वन डी एंड एन एस का पहला पॉइंट जो मैं अभी रीजन बता रहा हूं व्हाई ट्रांजिशनल मेटल सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। पहला रीजन, एनर्जी ऑफ एन माइनस वन डी इज नियरली इक्वल टू एनर्जी ऑफ एन एस। ये दो सबसेल का एन माइनस वन डी ऑर्बिटल एंड एन एस ऑर्बिटल का एनर्जी बहुत क्लोज है, क्लोज इन एनर्जी, नियरली इक्वल। इसके वजह से एनर्जी नियरली सेम होता है, इसके वजह से एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन एंड एन एस इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। एन माइनस वन डी एंड एन एस एन एस सबसेल का एनर्जी वेरी क्लोज, इसीलिए एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एलोंग विद एन एस। मैंने इसलिए बोला था ना यहाँ पे दो एस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व होगा तो प्लस टू होगा, दो एस एक डी प्लस थ्री होगा, दो एस दो डी प्लस फोर होगा। अगर हम ये बताएंगे डी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में एंगेज नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट केवल क्या होगा? प्लस टू होगा, तो वन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब बोथ एन माइनस वन डी एंड एन एस इलेक्ट्रॉन्स आर एंगेज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दो पॉइंट क्यों ऑक्सीडेशन, क्यों ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये बताएंगे आपको ग्रुप थ्री मेटल्स। ग्रुप थ्री मेटल कौन कौन है? स्कैंडियम, इट्रियम, लांथानम। ग्रुप थ्री एलिमेंट का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस थ्री। ग्रुप थ्री मेटल्स, नेक्स्ट पॉइंट ये नोट करो, स्कैंडियम, इट्रियम, लांथानम आर फाउंड इन एक्वेस सॉल्यूशन ओनली इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या पॉइंट है ना? स्कैंडियम, इट्रियम, लांथानम आर फाउंड इन एक्वेस सॉल्यूशन ओनली इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ये तीनों मेटल केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व करते हैं, वो क्या है ना? प्लस थ्री। तो ये तीनों के तीनों क्या है ना? ट्रांजिशनल मेटल। ऐसे कौन सा ट्रांजिशनल मेटल है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्व नहीं करते? देखो ये तीनों के लिए एक ही ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है ना? मोर देन वन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये तीनों एक ही ऑक्सीडेशन नंबर शो करते, इसलिए ये तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। तो स्कैंडियम, इट्रियम एंड लांथानम डू नॉट शो वेरिएबल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम, इट्रियम, लांथानम डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट को आते हैं, इन 3D सीरीज, 3D सीरीज में स्कैंडियम एंड जिंक डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशनल 3D सीरीज में दो ट्रांजिशनल मेटल है, ये मैंने ओवरऑल बता दिया। ओवरऑल डी ब्लॉक में कौन सा वाला ट्रांजिशनल मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है ना? स्कैंडियम, इट्रियम, लांथानम। ये तीनों क्या है ना? ये तीनों ट्रांजिशनल मेटल है। दिस थ्री ट्रांजिशनल मेटल डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने ये पॉइंट में बताया 3D सीरीज में कौन सा मेटल है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है? वो स्कैंडियम, जिंक। जिंक शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज प्लस टू।
जिंक सोल्स ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है नाउ प्लस टू है, जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू। जल्दी जल्दी ये पॉइंट नोट करना। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन यहां पे क्या होता है देखते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन, व्हिच ट्रांजिशनल मेटल डस नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑप्शन जिंक स्कैंडियम आयरन मैंगनीज, कौन सा वाला ट्रांजिशनल मेटल जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, व्हिच ट्रांजिशनल मेटल डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्कैंडियम होगा। तो देखो मैंने ये पॉइंट में बताया था स्कैंडियम जिंक का वन ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो प्लस थ्री, जिंक एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो है प्लस टू। बट याद रखने वाली बात ये है, जिंक एक ट्रांजिशनल मेटल नहीं है, बट ट्रांजिशनल मेटल कौन है, स्कैंडियम। तो कौन सा वाला ट्रांजिशनल मेटल जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है वो है स्कैंडियम, क्योंकि हमको पता है डी ब्लॉक में ग्रुप 12 वाला, ग्रुप 12 मेटल कौन, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, ये तीनों क्या है, नॉट ट्रांजिशनल मेटल। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी ट्रांजिशनल मेटल नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन होगा ना, बी ऑप्शन होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछेगा, क्वेश्चन नंबर टू, व्हिच डस नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम जिंक क्रोमियम वैनाडियम, अगर क्वेश्चन ये होता है व्हिच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कौन होगा आंसर यहां पे, स्कैंडियम जिंक होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन में पूछा था व्हिच ट्रांजिशनल मेटल डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये ऑप्शन में हम ऐसे ट्रांजिशनल मेटल ढूंढेंगे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, तो स्कैंडियम ऑप्शन में क्या है, स्कैंडियम। मैंने जिस बता दिया डी ब्लॉक में तीन ट्रांजिशनल मेटल है स्कैंडियम इट्रियम लैंथानम, जो कि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब समझ में आ गया कौन सा वाला ट्रांजिशनल मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, कौन सा वाला मेटल सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। अगर क्वेश्चन नंबर थ्री हम ये बताएंगे, व्हिच शोस हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज आयरन क्रोमियम वैनाडियम, इनमें से कौन सा मेटल सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो आंसर कौन होगा, मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज कौन कौन ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, माइनस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन, इतने सारा ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज शो करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन, आंसर कौन होगा, ए, मैंगनीज शोस हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे जानेंगे ना, एन माइनस वन डी इलेक्ट्रॉन प्लस एन एस इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला इन थ्री डी सीरीज वैलिड ऑफ टू मैंगनीज, अगर हम थ्री डी सीरीज की बात करेंगे तो जो फॉर्मूला मैंने लिखा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जानने के लिए, तो ये फॉर्मूला 3D सीरीज में अगर हम फॉलो करेंगे तो मैंगनीज तो की हम फॉलो करेंगे, उसके आगे इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो इसके पीछे देखो क्या क्या मैंने बताया, यहां पे फॉर्मूला नोट कर लिया। तो हमारा जो 3D सीरीज मेटल है, तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूं 3D सीरीज मेटल, 3D सीरीज मेटल स्कैंडियम टिटानियम वैनाडियम क्रोमियम मैंगनीज,
आयरन, कॉबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये 3D सीरीज मेटल है। अगर हम ग्रुप नंबर बात करेंगे, ग्रुप नंबर देखेंगे तो ग्रुप नंबर हमारा ये है, ये ग्रुप 3 वाला, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, 9, 10, 11, 12। मैंने जो ब्लू इंक से लिखा है, ब्लू इंक में लिखा है, वो है ग्रुप नंबर और नीचे वाला है 11। तो स्कैंडियम का यहां पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, स्कैंडियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3। कैसे मेरे को पता चला? ना स्कैंडियम का कॉन्फिगरेशन 3D1 4S2। मैंने यहां पे क्या लिखा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू N-1d इलेक्ट्रॉन +NS इलेक्ट्रॉन। तो N-1d इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, यहां पे 2, मतलब 3 होगा। टिटानियम का होगा +4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ये +5 होगा, +6 होगा, यहां पे +7 होगा। ठीक है, देखो मार्क करो, स्कैंडियम, टिटानियम, वानाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, यहां पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू ग्रुप नंबर। स्कैंडियम कौन सा ग्रुप में? +3, सॉरी ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर रहा है? मैक्सिमम +3। टिटानियम का ग्रुप नंबर 4 है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4। वानाडियम का ग्रुप नंबर 5, वो भी मैक्सिमम +5 शो करता है। तो इसीलिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूं, स्कैंडियम, टिटानियम, वानाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये तीनों सोर्स ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तीनों मेटल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते। ठीक है, अगर मैंगनीज से आगे जाएंगे तो आयरन का कभी भी आपको +8 वाला कंपाउंड नहीं मिलेगा। अगर हम बात करेंगे आयरन का, तो आयरन का +8 वाला कंपाउंड नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्या है? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक नॉट सो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन जो ग्रुप में, मतलब ग्रुप 8 में, तो आयरन का +8 वाला कंपाउंड दुनिया में नहीं है। कोबाल्ट ग्रुप 9 में है, तो कोबाल्ट का +9 वाला कंपाउंड दुनिया में नहीं है। तो मैंगनीज तक, अप टू मैंगनीज, स्कैंडियम टू मैंगनीज, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी अचीव्ड, बट आफ्टर मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये 5 मेटल के लिए ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी हमको नहीं मिलता है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। बट यहां पे एक पॉइंट ये है, आयरन का नीचे क्या है? आयरन का नीचे कौन सा वाला एलिमेंट है? रुथेरियम एंड ऑस्मियम। आयरन का नीचे क्या है? रुथेरियम एंड ऑस्मियम। रुथेरियम एंड ऑस्मियम शोज +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। रुथेरियम एंड ऑस्मियम शोज +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इन रुथेरियम टेट्रोक्साइड एंड ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। ये दो फॉर्मूला दुनिया में है, तो जहां पे रुथेरियम +8 एंड ऑस्मियम +8 शो करता है। तो 3D सीरीज में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज तक शो करता है, मैंगनीज के बाद ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलता है। बट अगर हम डी ब्लॉक में बात करेंगे, तो डी ब्लॉक में ग्रुप 8 में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर रहा है। रुथेरियम एंड ऑस्मियम एग्जिबिट ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। रुथेरियम एंड ऑस्मियम सोर्स ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है? रुथेरियम ऑस्मियम ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, बट आयरन डस नॉट शो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलता है। ठीक है ना? चलो, तो इन डी ब्लॉक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कैनॉट बी अचीव्ड आफ्टर ग्रुप 8। ठीक बोला मैंने इन डी ब्लॉक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कैनॉट बी अचीव्ड आफ्टर ग्रुप 8। But in 3D series, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कैनॉट बी अचीव्ड
आफ्टर ग्रुप सेवन। थ्री डी सीरीज में ग्रुप सेवन के बाद ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलता है, बट डी ब्लॉक में ग्रुप एट के बाद, क्योंकि ग्रुप एट में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कर रहा है, कौन अचीव कर रहा है ना, रुथेरियम ऑस्मोमियम। रुथेरियम ऑस्मोमियम का दो कंपाउंड है, रुथेरियम का एक, ऑस्मोमियम का एक, रुथेरियम टेट्रोक्साइड एंड ऑस्मोमियम टेट्रोक्साइड। जहां पे रुथेरियम ऑस्मोमियम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस एट शो करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इन डी ब्लॉक आफ्टर ग्रुप एट ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कैनॉट बी अचीव। तो यहां पे क्वेश्चन ये हो पाएगा, इन डी ब्लॉक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस सिक्स। डी ब्लॉक में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस एट। डी ब्लॉक में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस एट। कौन शो कर रहे हैं, रुथेरियम एंड ऑस्मोमियम। इन डी ब्लॉक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज अचीव्ड बाय रुथेरियम एंड ऑस्मोमियम, दैट इज प्लस एट। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे अक्रॉस द पीरियड, इन पीरियड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम अटेंडेबल ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। और ऊपर से नीचे जाएंगे इन ग्रुप टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम अटेंडेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। इसका मतलब क्या है देखो, अगर मान लो मेरे पास क्रोमियम मांगानीस आयरन, क्रोमियम ग्रुप सिक्स में, मांगानीस ग्रुप सेवन में, आयरन ग्रुप एट में, क्रोमियम का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्लस सिक्स, मांगानीस का मैक्सिमम प्लस सेवन, आयरन का मैक्सिमम प्लस एट, दुनिया में नहीं है। अगर हम अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाएंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्रोमियम का प्लस सिक्स ज्यादा स्टेबल है, किससे, मांगानीस प्लस सेवन से, मतलब मांगानीस प्लस सेवन क्रोमियम प्लस सिक्स से कम स्टेबल, और आयरन प्लस एट का कम स्टेबल, आयरन प्लस एट दुनिया में नहीं है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे अक्रॉस द पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम अटेंडेबल ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ठीक है, अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे, मान लो मैं ग्रुप सिक्स के बारे में बात करूंगा, ग्रुप सिक्स में क्रोमियम मॉलिब्डेनियम टंगस्टन, तो ये ग्रुप में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस सिक्स। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो क्रोमियम प्लस सिक्स, मॉलिब्डेनियम प्लस सिक्स, टंगस्टन प्लस सिक्स, ये तीनों में सबसे मोर स्टेबल कौन है, ना टंगस्टन प्लस सिक्स, सबसे कम स्टेबल क्या है, क्रोमियम प्लस सिक्स। ऊपर से नीचे जाएंगे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, और आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा। तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आया भी है इसके ऊपर, तो यहां पे क्वेश्चन देगा ऑक्सीडाइजिंग पावर। मान लो मैंने यहां पे लिखा है CrO3 मॉलिब्डेनियम ट्राइऑक्साइड टंगस्टन ट्राइऑक्साइड, ये तीनों का ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका हाईएस्ट होगा। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो यहां पे क्रोमियम प्लस सिक्स है, मॉलिब्डेनियम प्लस सिक्स और टंगस्टन प्लस सिक्स है, ये तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है, हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर पता है, सबसे ज्यादा स्टेबल टंगस्टन प्लस सिक्स,
तो क्रोमियम प्लस 6 लीस्ट स्टेबल, ये तीनों का हम स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो क्रोमियम प्लस 6 सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। अगर ये टंगस्टन प्लस 6 सबसे ज्यादा स्टेबल, इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अगर रिडक्शन होगा तो तभी जाके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, ऑक्सीडाइजर या ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तभी होता है जब भी इसका रिडक्शन होता है। तो टंगस्टन प्लस 6 तो स्टेबल है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट का रिडक्शन नहीं होगा। तो WO3 टंगस्टन ट्राइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। क्रोमियम प्लस 6 लीस्ट स्टेबल है, अगर क्रोमियम प्लस 6 लीस्ट स्टेबल है तो इसका रिडक्शन पॉसिबल होगा, इसका रिडक्शन पॉसिबल होगा। अगर रिडक्शन पॉसिबल हो रहा है तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? CrO3। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हुआ? डिक्रीज। तो ऊपर से नीचे जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने से स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। एक पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है फिर से देखो, ये तीनों कंपाउंड का सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजर कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा, या ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑर्डर पूछेगा, तो पता करना है तो इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का होगा रिडक्शन। इनमें से जो क्रोमियम प्लस 6, मोलिब्डेनियम प्लस 6, टंगस्टन प्लस 6, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली रिड्यूस हो पाएगा? ना क्रोमियम प्लस 6 इजीली रिड्यूस हो पाएगा, क्योंकि ये सबसे कम स्टेबल है। टंगस्टन प्लस 6 का रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मोर स्टेबल है। अगर क्रोमियम प्लस 6 इजीली रिड्यूस हो पा रहा है तो ये सामने वाला को बेटर ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसलिए CrO3 क्रोमियम प्लस 6 वाला क्या होगा? बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर टू मॉलिब्डेनियम प्लस 6 एंड टंगस्टन प्लस 6। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में सेकेंड क्वेश्चन बात करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर में सेकेंड क्वेश्चन मेरे को दिया है VO2 प्लस Cr2O7 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस MnO4 माइनस। यहां पे देखो, यहां पे वैनेडियम प्लस 5 में, सेकेंड में क्रोमियम प्लस 6 में, मैंगनीज प्लस 7 में। अगर ये तीनों का हम स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, वैनेडियम प्लस 5, क्रोमियम प्लस 6, मैंगनीज प्लस 7, ये देखो सभी का, वैनेडियम का भी मैक्सिमम प्लस 5 है, क्रोमियम का मैक्सिमम प्लस 6, मैंगनीज का मैक्सिमम प्लस 7। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? डिक्रीज होता है। स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ना डिक्रीज होता है। तो मैंगनीज प्लस 7 सबसे कम स्टेबल, अगर ये सबसे कम स्टेबल तो इसका ए रिड्यूस हो पाएगा। वैनेडियम प्लस 5 ज्यादा स्टेबल है तो इसका रिडक्शन इतने इफेक्टिव नहीं होगा जितने इफेक्टिव रिडक्शन मैंगनीज प्लस 7 का हो रहा है। तो मैंगनीज प्लस 7 कम स्टेबल है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का रिडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो MnO4 माइनस एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, VO2 प्लस का ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगा। समझ में आ गया? तो लेफ्ट टू राइट जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, इसके वजह से ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है? इंक्रीज। तो हमारा लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है डिक्रीज, ये दो पॉइंट नोट कर लेना एग्जाम के लिए। ऊपर से नीचे जाने से ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगा। तो वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज ये लेफ्ट टू राइट वाला, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज हुआ। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन ये ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हुआ। ये दो पॉइंट याद रखेंगे, उसके आगे वाला क्वेश्चन भी हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मान लो दे रहा है CrO4 माइनस माइनस, MnO4 माइनस, FeO4 माइनस माइनस। पहला ऑप्शन में क्रोमियम प्लस 6 स्टेट में, सेकेंड में मैंगनीज प्लस 7 है, फोर्थ थर्ड में आयरन प्लस 6 में। अभी ये ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ रहा है। दीज आर द मैक्सिमम अटेंडेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम का ये मैक्सिमम अटेंडेबल, मैंगनीज का मैक्सिमम, आयरन का ये मैक्सिमम अटेंडेबल, मैक्सिमम अटेंडेबल। हाँ, मैंने बताया था आयरन ग्रुप 8 में, ग्रुप 8 वाला प्लस 8 वाला उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए था, बट वो तो शो नहीं करता है। बट इसका मैक्सिमम अटेंडेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है? प्लस 6। तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट स्टेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम अटेंडेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? डिक्रीज। इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? इंक्रीज। CrO4 डबल माइनस, MnO4 माइनस, FeO4 डबल माइनस। तो लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगा। और ऑक्सीडाइजिंग पावर का ये लास्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडाइजिंग पावर का लास्ट क्वेश्चन, CrO4 डबल माइनस, MnO4 डबल माइनस, FeO4 डबल माइनस। क्रोमियम प्लस 6 में, क्रोमियम प्लस 6, यहां पे मैंगनीज प्लस 6, यहां पे आयरन प्लस 6, तो सारे के सारे प्लस 6 में है। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? लेफ्ट टू राइट क्या होता है? नाउ ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज, ये याद रखना, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट ये चार क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये समझ में आ चुका है। बस ये ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक याद रखना ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगा। सर अभी ये क्वेश्चन दे रहा है हमको, नोट एक्स एस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा? इनमें से किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा? यहां पे देखो, पहला ऑप्शन में टंगस्टन प्लस 6 में, और टंगस्टन कौन सा ग्रुप का है? ना क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ये क्रोमियम का ग्रुप है। तो यहां पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? प्लस 6। ऊपर से नीचे जाने से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज। ऊपर से नीचे जाने से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होता है। याद रखना, क्रोमियम प्लस 6 वाला, क्रोमियम प्लस 6 वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट उसका जो साथी भाई मैंगनीज प्लस 6 और टंगस्टन प्लस 6, दिस कंपाउंड नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि मॉलिब्डेनम प्लस 6, टंगस्टन प्लस 6 बहुत ज्यादा स्टेबल है। किससे? ना क्रोमियम प्लस 6 से, क्रोमियम प्लस 6 से मॉलिब्डेनम प्लस 6, टंगस्टन प्लस 6 बहुत स्टेबल है। तो ये कंपाउंड ये प्लस 6 वाला कंपाउंड कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, तो क्रोमियम प्लस 6 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहां पे पहला ऑप्शन, तो ये कभी भी नहीं होगा। देखो आयरन प्लस 6 है, आयरन प्लस 6 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
MnO4 माइनस, यहाँ पे मांगनीज प्लस 7, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये भी होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cr2O7 2 माइनस, जहां पे क्रोमियम प्लस 6 है, क्रोमियम प्लस 6 मांगनीज प्लस 7, ये सारे सारे के सारे ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन प्लस 6 या आयरन का मैक्सिमम अटेंडेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये सारे कंपाउंड क्या होगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और टंगस्टन का प्लस 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, इनमें से कौन सा वाला ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑर्डर करेक्ट है। चलो जल्दी जल्दी, क्रोमियम मॉलिब्डेनियम टंगस्टन, क्रोमियम मॉलिब्डेनियम टंगस्टन, यहाँ पे क्रोमियम प्लस 6 मॉलिब्डेनियम प्लस 6 टंगस्टन प्लस 6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऊपर से नीचे से ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है डिक्रीज, तो ये इनकरेक्ट। वानाडियम मांगनीज क्रोमियम, तो वानाडियम क्रोमियम मांगनीज ये होना चाहिए था, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए था, वानाडियम उसके बाद क्रोमियम आना चाहिए था, उसके बाद मांगनीज, क्योंकि ये सारे मेटल का, तीनों मेटल का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वानाडियम से ज्यादा है क्रोमियम, क्रोमियम से ज्यादा है मांगनीज, तो ये ऑर्डर भी इनकरेक्ट है। क्रोमियम मांगनीज आयरन, ये लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज, ये ऑर्डर करेक्ट है। क्रोमियम मांगनीज आयरन लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज बता रहा है, तो ये ऑर्डर इनकरेक्ट है। तो ये आप जो अपना लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा ना, इंक्रीज होगा, एंड टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, डिक्रीज। समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम का मैक्सिमम प्लस 3, टिटानियम का मैक्सिमम प्लस 4, वानाडियम का मैक्सिमम प्लस 5, क्रोमियम का मैक्सिमम प्लस 6, मांगनीज का मैक्सिमम प्लस 7, आयरन का मैक्सिमम क्या होता है, प्लस 6। अगर हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो ग्रुप प्लस 8, बट ये प्लस 8 नहीं मिलता है। तो दीज आर द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम स्कैंडियम टू मांगनीज, दीज आर द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड आयरन का ग्रुप में जो नीचे है रुथेरियम ऑस्मियम, दीज टू एलिमेंट्स हैव प्लस 8 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दीज आर द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या मैं बता रहा हूं, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी अचीव्ड बाय फ्लोरीनेट ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी अचीव्ड बाय फ्लोरीनेट ऑक्सीजन, ये पॉइंट नोट कर लेना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी अचीव्ड बाय फ्लोरीनेट ऑक्सीजन। दुनिया में दो ही एलिमेंट है फ्लोरीन ऑक्सीजन जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करते हैं। तो मतलब स्कैंडियम का ट्राई फ्लोराइड होता है, Sc2O3 भी मिलता है, ये दो मिलते हैं। तो स्कैंडियम ऑक्सीजन के साथ भी प्लस 3 अटेंड करता है, फ्लोरीन के साथ भी प्लस 3 अटेंड करता है। टिटानियम फ्लोरीन के साथ भी प्लस 4 अचीव करता है, टिटानियम ऑक्सीजन के साथ भी प्लस 4 अचीव करता है, वानाडियम फ्लोरीन के साथ भी अचीव करता है, ऑक्सीजन के साथ के भी अचीव करता है। तो ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन अचीव द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम क्रोमियम के बारे में बात करेंगे CrF5 CrF6 ये भी मिलता है, और CrO3
इन दिस टू कंपाउंड क्रोमियम इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारे के सारे कंपाउंड दुनिया में है। अगर हम मांगनीज के बारे में बात करेंगे तो मांगनीज के लिए MnF7 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम आयरन के बारे में बात करेंगे Fe8 ये कभी भी नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन दे दिया क्वेश्चन नंबर 7 साइड व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, MnF7 Fe8 CrF6 BF5 इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता, ए एंड बी होगा, क्योंकि MnF7 दुनिया में नहीं है, Fe8 दुनिया में नहीं है। बट मांगनीज क्लोरीन के साथ +7 एसिड नहीं करता है, बट ऑक्सीजन के साथ करता है। Mn2O7 में क्या है, मांगनीज +7। तो हम ये बोलेंगे ऑफ टू क्रोमियम इन 3D सीरीज, मैं यहां पे बात कर रहा हूं 3D सीरीज में, इन 3D सीरीज ऑफ टू क्रोमियम फ्लोरीन अचीव द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, बट आफ्टर क्रोमियम फ्लोरीन कैन नॉट अचीव द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉइंट नोट करो, इन 3D सीरीज आफ्टर ऑफ टू क्रोमियम ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी अचीव्ड बाय फ्लोरीन, बट आफ्टर मांगनीज ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +7 सॉरी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय फ्लोरीन, ठीक है। बट इन मांगनीज ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी अचीव्ड बाय ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वजह से मांगनीज इसका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट फ्लोरीन के वजह से नहीं है। ऐसा क्यों है? मान लो मेरे पास MnF7 है, तो अगर MnF7 दुनिया में एग्जिस्ट करता तो मांगनीज के चारों तरफ 7 फ्लोरीन होना चाहिए था, 7 फ्लोरीन। अगर ये सिचुएशन आएगा तो फ्लोरीन इतने पास आ जाएंगे, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने क्लोज हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो मतलब यहां पे एक स्टेरिक फैक्टर जनरेट करता है, ये स्टेरिक फैक्टर के कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता। फिर से बता रहा हूं, मांगनीज के चारों तरफ 7 फ्लोरीन है, अगर 7 फ्लोरीन ऐसे रहेंगे तो फ्लोरीन फ्लोरीन बहुत क्लोज हो जाएंगे, तो खुद का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतने क्लोज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो एक स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप हो गया, स्टेरिक क्लाउडिंग डेवलप हो गया, इसके वजह से MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं बोलूंगा MnO4- या Mn2O7, जो भी एग्जांपल लो, तो वहां पे मांगनीज +7 है, Mn2O7 या MnO4-, ये MnO4- में मांगनीज +7 एचीव करता है। मैंने यहां पे क्या बोला, मांगनीज फ्लोरीन के साथ +7 एसिड नहीं करता है, मांगनीज ऑक्सीजन के साथ +7 एसिड करता है। अगर ये सिचुएशन, ये वाला हम बात करेंगे, तो 2 फ्लोरीन बराबर टू 1 ऑक्सीजन, क्योंकि 2 फ्लोरीन मिलाएंगे तो -2 होगा, 1 ऑक्सीजन भी -2 लेके आ जाएगा, तो ये -2 ये -2 इसका -1 टोटल हो गया -7, तो मांगनीज +7, तो 2 फ्लोरीन इज बराबर टू 1 ऑक्सीजन। तो यहां पे 7 फ्लोरीन के लिए मांगनीज +7 हुआ था, बट यहां पे MnO4- में 4 ऑक्सीजन के लिए मांगनीज +7, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मांगनीज अचीव करा, बट लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन के लिए, तो फ्यूअर लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैन अचीव द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मांगनीज। बट यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, क्योंकि 7 फ्लोरीन में जितने स्टेरिक क्राउडिंग होगा, 4 ऑक्सीजन में स्टेरिक क्राउडिंग कम होगा। तो अगर हमको ये पूछा जाएगा फ्लोरीन ऑक्सीजन में से कौन बेटर ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबिलाइज करता है, ऑक्सीजन इज द बेटर टू स्टेबिलाइज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन भी स्टेबिलाइज करता है, बट +6 तक, +7 आ जाएगा तो फ्लोरीन काम नहीं करेगा, वहां पे ऑक्सीजन का काम है, ऑक्सीजन काम करेगा।
ठीक है। और ग्रुप एट के बाद, ग्रुप एट के बाद ना फ्लोरीन ना ऑक्सीजन, ग्रुप एट के बाद देखो ग्रुप एट में क्या आ जाता है, ग्रुप एट में आयरन, रुथेरियम, ऑस्मोमियम, रुथेरियम ऑस्मोमियम प्लस एट सॉल्व करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ग्रुप सिक्स तक फ्लोरीन का काम हो गया, ग्रुप सिक्स के बाद फ्लोरीन नहीं आएगा नजर में, आफ्टर ग्रुप सेवन सॉरी आफ्टर ग्रुप सिक्स फ्लोरीन कैन नॉट अचीव द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप सेवन के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन, कितने तक, ग्रुप एट तक, ग्रुप एट तक ऑक्सीजन स्टेबिलाइजेस द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू ग्रुप एट, बट ग्रुप एट के बाद ऑक्सीजन भी स्टेबिलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये लिमिट, तो ऑक्सीजन का लिमिट ग्रुप एट तक है और फ्लोरीन का लिमिट कहां किस तक है ना, ग्रुप सिक्स तक, अप टू ग्रुप सिक्स फ्लोरीन स्टेबिलाइजेस द ग्रुप ऑक्सीजन, ऑल्सो ऑक्सीजन, ऑल्सो ऑक्सीजन, बट आफ्टर ग्रुप एट ऑल्सो ऑक्सीजन कैनॉट स्टेबिलाइज ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन ऑक्सीजन में से कौन बेटर स्टेबिलाइज करता है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आंसर होगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से स्टेरिक क्राउडिंग कम होता है। अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे वहां पे स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज हो जाएगा। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया OSF8, OS4, Fe4, Fe4, इनमें से कौन पॉसिबल नहीं है, इनमें से कौन पॉसिबल नहीं है, देखो यहां पे पहले ऑस्मोमियम, आयरन, रुथेरियम, ऑस्मोमियम, आयरन का प्लोसाइट दुनिया में नहीं है, बट रुथेरियम ऑस्मोमियम प्लोसाइट सॉल्व करते हैं, ये सारे के सारे ग्रुप एट में। तो रुथेरियम एंड ऑस्मोमियम का जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फ्लोरीन के वजह से नहीं होगा, क्योंकि आठ फ्लोरीन आ जाएंगे तो ऑस्मोमियम चारों तरफ, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाएगा, तो इसलिए फ्लोरीन स्टेबिलाइज नहीं कर पाएगा। कौन स्टेबिलाइज करता है, कौन स्टेबिलाइज करता है ना, ऑक्सीजन। जिसको समझ में नहीं आ रहा है यहां पे मैं बता देता हूं, अगर ऑक्सीजन के चारों तरफ सॉरी ऑस्मोमियम के चारों तरफ मैंने आठ फ्लोरीन रख दूं, तो ये सिचुएशन होगा, तो यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग होगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। दो फ्लोरीन बराबर टू एक ऑक्सीजन, तो ऑस्मोनियम के चारों तरफ आठ फ्लोरीन जो काम करता था चार ऑक्सीजन वही काम करेंगे, बट यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगा, यहां पे स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगा। ये स्टेरिक क्राउडिंग के वजह से ऑक्सीजन इज द बेटर to stabilize the group oxidation state compared to fluorine. तो A option तो possible नहीं है, not possible. But ये possible है, FeO4 possible नहीं है, क्योंकि fluorine का plus 8 possible नहीं होगा, तो मतलब answer हमारा ये होगा, FeO4 possible नहीं है, तो हमारा answer ये है, FeO4 double minus, जहां पे iron plus 6. आयरन प्लस सिक्स शो करता है, तो ये कंपाउंड दुनिया में जहां पे आयरन प्लस सिक्स शो करता है, तो मतलब ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल कौन नहीं है, ए एंड सी आर नॉट पॉसिबल। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये बात करेंगे, ट्रांजिशनल मेटल शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशनल मेटल शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल कार्बोनिल, ट्रांजिशनल मेटल सो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल कार्बन, मतलब NiCO4, इसको इसका नाम क्या है, NiCO4 निकेल टेट्रा कार्बोनिल, जहां पे निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, FeCO5 जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। ट्रांजिशनल मेटल शोज लोअर ऑक्सीडेशन नंबर इन प्रेजेंस ऑफ पाई एसेप्टोर लिगेंड like carbonyl, in metal carbonyl transitional metal shows lowest oxidation number,
तो मतलब ट्रांजिशनल मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी सॉल्व करता है, कहां पे? ना मेटल कार्बोनिल में, ठीक है। अगर यहां पे देखो NO4N-, ये जो आयन ये एक टेट्राहेड्रल आयन है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं बात करूंगा Fe4-, इसका ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। अगर क्वेश्चन देगा इनमें से कौन है टेट्राहेड्रल, तो Fe4- टेट्राहेड्रल है। यहां पे मैं जो TH लिख रहा हूं ये टेट्रा और है ना, जनरल फॉर्मूला N मेटल O4N-, तो यहां पे N-। अगर बात करूंगा MnO4-, ये भी ये फॉर्मेट में आ जाता है देखो, तो ये भी टेट्राहेड्रल। अगर बात करूंगा CrO4-, ये भी टेट्राहेड्रल। अगर बात करूंगा मैं बात करूंगा MnO4-, ये भी टेट्राहेड्रल। MnO4-, ट्रिपल माइनस, ये भी टेट्राहेड्रल। तो ये सारे के सारे कौन सा फॉर्मेट में आ जाते हैं? MO4N-, ये याद रखना, MO4N- वाला एक टेट्राहेड्रल। तो ये के सारे क्या है? टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन देगा इनमें से कौन टेट्राहेड्रल, तो ये सारे के सारे क्या है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। यहां पे मैं कुछ इंपोर्टेंट बातें मैंने बताया, ये टेट्राहेड्रल वाला ज्योमेट्री एक इंपोर्टेंट सवाल है, एक इंपॉर्टेंट सवाल मैंने बताया था ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल, दो इंपॉर्टेंट सवाल, और कौन सा वाला ट्रांजिशनल मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ये भी था। एक और था कौन सा वाला पॉसिबल है, कौन सा वाला पॉसिबल नहीं, ये भी था एक इंपॉर्टेंट सवाल। बट ये मुद्दा ये, तो हमारा जीस्ट ये 3-4 सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो होगा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, इसका नेक्स्ट वीडियो क्या होगा ना, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो ये वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगा, इंतजार करना नेक्स्ट लेक्चर तक, ठीक है। थैंक यू।